हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। फिलहाल मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए। मुझे अर्जेंट मैसेजेस जानने हैं आप सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आप सभी लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप सभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इस मैनिफेस्टेशन के दौरान आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस बताना चाहेंगी, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इसको पता करने की कोशिश करूंगी आप सभी के लिए। तो रीडिंग को एंड तक देखना, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको काफ़ी यूजफुल बातें पता चलेंगी जो आपके मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओ वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन पहला ही कार्ड, ये तो मुझे भी लग रहा है बहुत टाइम से। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, टेम्पटेशन एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, सॉलिट्यूड नंबर 9, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फर्टिलिटी, fulfillment of wishes, चलिए दो कार्ड आए हैं, थर्ड चक्रा एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, बॉटम द डेक है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, तो यहाँ से तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, एक बार एनर्जी और एक्ल डेक से भी कार्ड्स कुछ निकाल लेते हैं, देन एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको रीडिंग। टू कार्ड्स हैं यहाँ पे, इनवी एंड कॉन्ट्रैक्ट। वी हैव मैन होल्डिंग कॉइन, कम्युनिटी नंबर 7 एंड थिंकिंग मैन। ओके, ऑल टाइड अप बॉटम द डेक्स। आई नो आपको सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैं पहले ऊपर की दो रो एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है जी। तो क्या होने मतलब क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पहली बात है, आप अपने स्पिरिचुअल यूनियन में बहुत क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। आपको बहुत टाइम हो गया सफ़र करते 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 करते, लेकिन इस सफरिंग ने आपको फर्टाइल यानी कि एक एम्प्रेस बना दिया है, ठीक है। आपने अपने फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर ली है, और बहुत हद तक आपने अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करा है। अपने लाइफ के उन फैक्टर्स पर आपने काम किया है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत आगे आप आ चुके हो अपनी जर्नी में, ठीक है। आप अपनी विशेस को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। आप अपने लिए स्टैंड ले, ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड। डेफिनेटली इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत अकेले आप रहे हो विद द सॉलिट्यूड कार्ड, और अब मुझे लगता है कि आपका अकेलापन दूर होगा। एज अ रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देगी, ठीक है। आप में एक तड़प है, एक एडिक्शन है किसी चीज़ को पाने का, ठीक है, और उसे आप बहुत कहते हैं ना शिद्दत के साथ पाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं, डिसीव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यस, आपने अपने एफर्ट्स बहुत लगाए हैं। अब आपका थ्रॉट चक्रा ओपन होने वाला है, आप अपने दिल की बातें, अपनी बातें बिना डर के
एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले आपको अपनी बातें कहने में डर लगता होगा, लेकिन अब टाइम ऐसा आने वाला है कि अब आप बिना डर के अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकोगे। आपका थर्ड चक्र ओपन होगा, आपके लिए ये तिजोरी खुलने वाली है, आपकी विशेष पूरी होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है, आपको इसमें विक्ट्री मिलने वाली है, नो डाउट कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आपके पास अभी भी आपके फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं वो कम तो हुए हैं पर ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना आपको इस चीज़ के बारे में सोचते रहना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने जो फाइनेंशियल जो भी खर्चे हैं आपके उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे। आपको अभी भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अपने करियर पर, और ज़्यादा फोकस, और ज़्यादा अपने करियर को ब्राइट बनाने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो भी यूनिवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आप उसे अच्छे से पूरे कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में कोई कमी नहीं कर रहे हो, ठीक है। जेलेसी अभी भी आप में से कुछ लोगों के अंदर है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जेलेसी आप ऐसे मत फील कीजिए कि आपकी किस्मत में लेट सक्सेस आ रहा है या आपकी हैप्पीनेस लेट आ रही है। इस चीज़ को लेके जेलेसी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लिए टाइमिंग अलग अलग होती है, लेकिन कम्युनिटी का मतलब है आपके पास लीडरशिप, ऑनरशिप आ रही है। आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ गोल्स हैं जो कि या तो आपको आपके बिजनेस को लेकर है या फिर आपके लव लाइफ को लेकर है। वो गोल्स आप अचीव करने वाले हैं बहुत जल्दी। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और इसमें पूरी तरीके से यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देंगे। विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर है। स्पेशली मैं आपके लव लाइफ में तो अभी इम्प्रूवमेंट देख ही रही हूँ। कुछ कार्ड्स टैरोट से भी निकाल लेते हैं गाइस, यहाँ से क्या आएगा आपके लिए। आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है गाइस, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, इसीलिए आप एंजल नंबर भी देख रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। तो अगर आप इस एनर्जी में अभी हैं तो इस एनर्जी से बाहर आ जाइए क्योंकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, ठीक है। यूनिवर्स हेल्प कर रही है आपको आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कराने में, रियलाइज कराने में। या किंग ऑफ सोर्ड्स, इसको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में और साथ ही साथ ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आप ही की तरह। तीन कार्ड्स हैं यहाँ पर, नाइन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ, नाइट ऑफ कप्स एंड द टावर। देखो ये पर्सन आपके बिना अकेले हैं, नो डाउट कि इसकी लाइफ में इसकी अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड यस, ये आपके पास आ रहे हैं, मैं इसे आते हुए देख रही हूँ। आप अपने बिजनेस पर ज़्यादा फोकस रखें इस टाइम, आपके लिए यही करना है और बाकी तो यूनिवर्स पर आप सरेंडर कर दो क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग खत्म होगा, नंबर 10 इज अ कम्प्लीशन का नंबर होता है ये, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाएगा बहुत जल्द और ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास अपने दिल लेकर, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ क्लियर देख रही हूँ। हैप्पी फैमिली, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है ये, आपकी हैप्पी फैमिली बहुत जल्द बनने वाली है। ये रोमांस का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है, रोमांस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेंगे बहुत जल्द और आपका परिवार हैप्पी फैमिली भी बन जाएगी इस पर्सन के साथ, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आया है आपके लिए। ओवरऑल यूनिवर्स आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं योर, लेकिन आपके ड्रीम का भी प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इज की, यूनिवर्स से कम्युनिकेशन बना के रखिए, इनसे बात करते रहिए, इनसे हेल्प मांगते रहिए क्योंकि आपकी लाइफ में जल्दी ही वाव, आप बहुत क्लोज है अपने गोल को अचीव करने में। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए कि पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और ये एक्शन का टाइम है तो अपने करियर में एक्शन लें जितना ज़्यादा हो सके।
कंक्लूजन आर विद इन द रीच। देखो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, ठीक है। अब कंफर्ट में बैठने का टाइम नहीं है, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बहुत क्लोज हैं अपना गोल अचीव करने के लिए और ये कंक्लूजन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। ये कंक्लूजन आपको मिलने वाला है और आप देख सकते हैं तीनों कार्ड्स में ना फुल मून है, बीच में न्यू मून है, एक्लिप्स। यस, तो डेफिनेटली ये फुल मून का कार्ड है, एक्लिप्स, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस आपकी आप कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आप बहुत क्लोज हैं अपना गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है और ये रोमांस भी, ये एक्सपेक्ट जो आप कर रहे हो ना पावरफुल चेंज, ये रोमांस का दरवाजा खोल रहा है आपकी लाइफ में। आपके यूनियन होने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर हैं गाइस, तो बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री हो जाइए इस टाइम, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको कह रहे हैं कि टेंशन फ्री होने का टाइम है ये और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का टाइम है। इस टाइम जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से एंजल क्या बताएंगे जल्दी से देख लेते हैं। डिवाइन डायरेक्टर ये आपको कह रहे हैं आप अपनी हैप्पीनेस पर इस टाइम ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। कंसर्न लेने का कोई फायदा नहीं है इस टाइम, अपनी हैप्पीनेस आपका मेन पर्पस है इस टाइम। और नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आपको गाइडेंस मिल रही है डे बाय डे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, मदर मैरी डेफिनेटली इस टाइम मदर हीलिंग भी आपके लिए पॉसिबल है। और जितना हो सके टेंशन को दूर कीजिए, ठीक है, स्ट्रेस को दूर कीजिए और पीस को चूज कीजिए। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, बियॉन्ड, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपको अपने डिजायर पर फोकस करना है, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, ठीक है। और करंट चैलेंजेस जल्द से जल्द खत्म हो ही जाएंगे। कॉल द वैलेंटाइन, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपके जो भी ना स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसको ग्रेस के साथ शेयर कीजिए लोगों के साथ, और डेफिनेटली आपके पास लव आ रहा है, ठीक है। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, डेफिनेटली आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। लोग आपके स्टोरी सुनेंगे तो वो आपसे काफ़ी एडमायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने गोल पर पहुँचने वाले हैं। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसेक्यूशन एंड सीक योर ट्रुथ। तो आप इस टाइम स्ट्रांग बनिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए, फियर को रिलीज कीजिए और सच बोलिए। एंड हॉरिस, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो आपके थॉट्स इस टाइम बहुत पावरफुल हैं और कुछ भी मिरेकल आपके लाइफ में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं, इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहिए, हर दिन ऐसे ही बिताइए कि अभी भी कुछ चैलेंज बचे हैं और डेफिनेटली देन आप मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ सारी टेंशन सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर, क्योंकि इस टाइम आपको टेंशन लेने का नहीं है, फोकस करने का है अपने पर्पस पे, अपने हैप्पीनेस पर, ठीक है। सो गाइज, यही है कुछ मैसेजेस जो यूनिवर्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि रीडिंग आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।